कनाडा के अंदर से। गाइस कनाडा के पीएम ने कुछ टाइम पहले आपको याद होगा उन्होंने एक बयान दिया था इंडिया के अगेंस्ट, जो उनसे कनाडा के अंदर जो सिखों के जो खालिस्तान के जो लीडर को मरवाया गया है उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। अब वो ये बयान देने के बाद फंस गए हैं, पूरी दुनिया ने उनसे प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं मिल रहे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे से रिलेशन ना ख़त्म करो, हमारे से ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया अगर आप हमारे से रिलेशन ख़राब करेंगे तो दुनिया भी हमारे से रिलेशन नहीं रखेगी। तो अभी कनाडा के पीएम का ये बयान आया, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा उनसे पूछूंगा कि क्या वाकई में इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इंडिया के रिलेशन किसी के साथ ख़राब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी कंट्री का दोस्त इंडिया बन जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ रिलेशन क्यों रखना चाहती है। अब मुझे बताएं कि कनाडा के पीएम ने ये बयान देने के बाद अब परेशानी मसले में फंस गए हैं, पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई पड़ी है कनाडा के। क्यों इंडिया इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इंडिया का साथ दे रही, कनाडा के अगेंस्ट हो रही है? ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये जो सिख बरादरी है ये ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट है। इसके तकरीबन 40% लोग कनाडा में हैं, क्योंकि वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ हम कैसे ना दें, वो उनको चाहिए कि उनका साथ दें, लेकिन ये लोग उनका साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन सिख बरादरी इंडिया का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ देने वाले और लोग हैं, वो तो इनके खिलाफ है, वो तो कहते हैं हमको अलग कर दें इंडिया से बिल्कुल। अगर सिख साथ नहीं भी देंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आप देखेंगे 1,40,00,000,000 की आबादी है, जहाँ पर आप देखेंगे इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। US इंडिया के साथ है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है, बता रहा हूँ पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। क्यों है, क्या वजूहत है कि इंडिया क्या सुपर पावर बनने जा रहा है आगे? बिल्कुल, कोशिश तो उनकी यही है हम लोग सुपर पावर बन जाएं, क्योंकि उन लोगों ने कहा देखें आप काफ़ी वो हमसे एडवांस चले गए हैं। कैसे एडवांस चले गए हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई की और अपने जो मैक्सिमम ये काम है टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया है, वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग वैसे ही पीछे के पीछे ही पड़े रह गए हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में कह लें, अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखें इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने दो जहाज एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया, और सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे। अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब है वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। सर फिर आपने अभिनंदन को इंडिया ने इतना बड़ा हम पर अटैक किया तो हमने कभी इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सज़ा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को, इस तरह की बात क्यों नहीं? सर ये तो हमारी फौज का काम है, यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पर लेके जाते, लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं। वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया और हमने उसको, हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहाँ से पाकिस्तान से। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो, इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान चढ़ाओ इसे। और प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर अभी आपको बताया अमेरिका है, अमेरिका इंडिया के साथ है, वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा से डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमसे हमको कर्जा दे रहा है, जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं दिखा। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज हो गए रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा है, हम दुनिया से ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सबसे ज़्यादा झुगिए जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम हैं, ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है, ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं ख़त्म होती हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑन द कैमरा अगर स्पीच के दौरान कहा कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी रिलेशन ख़राब ना हो, जो चीज़ें हुई हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेवलप कंट्री समझी जाती है कनाडा को, यहाँ से पाकिस्तानियों का मिडिल ईस्ट से कनाडा की तरफ जाना लोगों का ख्वाब है,
वो कंट्री भी इंडिया के लिए आगे कहती है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या इससे क्या अखज़ करते हैं आप? वो सही बात कह रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं ऐसे, और हमें भी हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ हमारे? हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप। ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। सर हम यही चीज़ों को लेकर यहूद और नसारा की अभी तक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरे अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं, वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। सर मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं लेकिन इनके साथ हम किधर रख रहे हैं, इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में, उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड में हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। में तो है, अच्छी तरह अल्लाह ताला ने बड़ी इमदाद की है, हम इंडिया से जंग जीत गए। बिल्कुल सही होगा, कारगिल की जंग भी हम जीते हैं। कारगिल की तो बेईमानी करती है ना, नवाज शरीफ चले गया, अमेरिका चले गया रात के। वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। सर आप मुझे बताएं कि वो इमेज उसके खराब हुआ, हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ पर जगह दी, हमने जो सर गलतियाँ हमारी भी हैं, सर गलतियाँ हमसे हुई हैं, जब हमसे गलतियां होंगी आप टेररिस्ट को जगह देंगे तो वो टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने लाश देखी है उसकी? किसकी? उसामा की। उसामा के लाश कैसे दिखाएंगे वो? यही तो बात है ना, उन्होंने सिर्फ ये ड्रामा किया था सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए और उनको बताने के लिए यहाँ पे ये सब कुछ होता है। हाफिज सईद ये सब लोग मिले होते हैं यार उनके साथ, सब इनकी मिली भगत होती है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बुरा बोले। बस पाकिस्तान चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे, दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी और हम पर हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं करेगी। सर देखें, अभी आपने देखा है कि फौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और मैक्सिमम फौज ने ये टारगेट अचीव भी किया है। ये नहीं हम कहते कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया है, लेकिन देखें जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ ऐसे ताल्लुक हैं, अफगानिस्तान को तकरीबन 35% लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रहे हैं, उनका बोझ भी हम लोगों पे है। वो हम अफगानिस्तान अब हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं। हमारे खिलाफ क्यों हुए हैं? क्यों कि हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके ही उनको मारते हैं। हम यही कहते हैं वो सही कहते हैं किसी हद तक, लेकिन देखें हम लोगों ने कर्जा किससे लेना है? अफगानिस्तान में देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो यही तो मसला है, हमने पैसे लेके अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करवा दी, वहाँ पर देखा ना कितने नस्ल कशी होगी उनकी, फिर हम कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा, हम इस्लाम का किला है, तो जब इस तरह करेंगे दूसरे भाई के खिलाफ अपना घर देंगे तो फिर तो दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो अफगानिस्तान के लोग क्यों हमारे खिलाफ हैं? इसी वजह से है, मेन वजह ये है। वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए बाज़ का तो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तानी, वो ऐसा समझते हैं, वो इंडिया को अपना भाई कहते हैं, हमें दुश्मन कहते हैं। ऐसे ही है, इंडिया ने तो अड्डे नहीं दिए, अड्डे तो हमने दिए। हाँ इंडिया उनको पैसा दे रहा है, अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो दहशतगर्दी कर रहा है इसमें राह वालों का ही आता है, वही इनके पीछे लगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें भी मान गए कि भाई यहाँ हालात हमारे ख़राब हैं, टेररिज्म भी होती है, तो अब राह कहाँ से बीच में आ गया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला? देखिए राह ने ना उसको फंडिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान में ये कभी भी पाकिस्तान को मेंटेन नहीं होने देंगे, ये कभी भी इसमें बराबरी नहीं आने देंगे, ये इनकी यही कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को डिसबैलेंस रखें। और अफगानिस्तान के अफगानिस्तान से डॉलर, अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करें, ये भी क्या राह ने करवाया था? नहीं ये राह तो नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, माननी पड़ेंगी। सर जो गलतियाँ देखे हर इंसान में गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बैकफुट पर फेंक दें कि नहीं यार छोड़ दो इसको।
पे ओवरकम कर तो सकते हैं ना, हम मान तो सकते हैं अपनी गलती, हाँ भाई हमारे बीच में ये खराबियां हम इसको ठीक कर लें। हाँ कोशिश कर सकते हैं, देखें रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे पड़ोसियों के साथ? हमारे रिलेशन उनके साथ कभी सही नहीं हो सकते भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ईरान के साथ वो मुस्लिम बरादर, उसके साथ सही नहीं हो सकते, अफगानिस्तान के सही नहीं हो सकते, इराक के साथ सही नहीं हो सकते, हमारे रिलेशन बेहतर किसके साथ होंगे? हमारे रिलेशन जिनके साथ बेहतर है ना, वो सिर्फ उसी के साथ हो गए और वो मिडिल ईस्ट है। जिसके साथ बेहतर है? बेहतर है फिर भी। आप मुझे बताएं कि आप वली अहद, सलमान वली अहद जा रहे थे भाई इंडिया G20 के लिए, पाकिस्तान तरले की हमने, हमारे पास आज आए नहीं। कैसे आए? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आएंगे। तो आपने कहा मतलब हालात तो हमारे साथ, रिलेशन तो बेहतर है हमारे उनके साथ। बेहतर है देखिए मैंने रिलेशन बेहतर कहा, हालात बेहतर नहीं कहा। हमारे पास टीमें क्यों नहीं आती मैच खेलने के लिए इधर? सिर्फ इसी वजह से कि टेररिस्ट की वजह से, जैसे वो श्रीलंका में हमला हुआ था वो लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद अभी श्रीलंका भी दोबारा कभी नहीं आया। इसी तरह वो हमारे मुल्क को डिसेबल रखेंगे, वो हमेशा रखेंगे, वो रखेंगे। हाँ यार हम ब्लेम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं ब्लेम? अपना कुछ है ही नहीं है ना भाई, अपने ऊपर कैसे रखें हम ब्लेम? अब हम मुझे बताएं कि अपने मुल्क के अंदर की चीज़ें दूसरों पर ब्लेम करके हम ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं हम कमज़ोर, वो स्ट्रांग है, वो इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर घुस के हम पर साजिशें करते हैं। सर वो भी कर रहे हैं, देखिए ये तो पाकिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ करती है, हमेशा ही करती है, बल्कि US भी करता है, US से भी सारे करते हैं, वो तो सारे एक दूसरे के साथ ये सिलसिले चलते हैं उनके। सही हो गया। उन्होंने कोई ना कुछ ना उसका नतीजा निकल रहा है। आपके मुल्क को डिसेबल करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरी ये लॉबी चलाई हुई है जो उन्होंने चलानी है, पाकिस्तान को डिसेबल करनी है। हाँ क्योंकि वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है ना ये तरक्की ना करे किसी। मुझे बताएं दुनिया में इतने सारे इस्लामी, 55 इस्लामी मुल्क है, कुल 200 कंट्रीज हैं, 205 कंट्रीज, उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को देख छोड़कर वो दुनिया का, अब अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है, अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमज़ोर नहीं, साजिश उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर, पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम की नहीं पता। मेरे भाई ज़िंदगी में सब कुछ चलता ही है, आप क्या 3 टाइम रोटी खा कर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं आपका टारगेट 3 टाइम रोटी का? नहीं नहीं ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है 3 टाइम की रोटी? आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है इससे हालात, इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं? मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है, गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कैनेडा में चले जाएं, अमेरिका में भी चले जाएं, वहाँ पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देख के उनकी मैशत को छोड़ दें, 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई अकाउंट में, हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग मूंग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं। सर यहाँ से आप ट्राई तो करें, यहाँ से प्यार के मैसेज तो दें, मेरे नबी ने जिस तरह से आकर दुनिया को बदली, अपनी दुनिया को बदली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस वजह से बुर्दबारी अपने दुश्मन को भी कायल किया सिर्फ अपने अखलाक की वजह से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तअल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, हम करना ही नहीं चाहते, यहाँ से अच्छी बात तो करो आप, शुरुआत तो करें। और सर नवाज शरीफ ये सब कुछ करके देख चुका है, आपने नहीं देखा नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया? उसको क्या कहते थे, ये उसका यार है वो कहते थे क्या, नहीं मोदी नहीं दूसरा वाजपेयी, उसको भी कहते थे उसका यार है, ये मोदी को भी बोलते हैं उसका यार है, जिसने कोशिश की उसको ये सब कहते हैं। इसी वजह से तो हम इन हालातों में है। आप मुझे बताएं डिफेंस में कितना दे रहे हैं? 85% डिफेंस पे दे रहे हैं, वहीं पैसे अगर आप इंडिया के साथ सुलह करके दस्तखत कर लेंगे भाई आज के का हमारे का आपके साथ कोई जंग नहीं है, खुशहाल बाश हो जाएगी सारी आवाम, तालीम पर खर्चा करेंगे, एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, मेडिकल पर खर्चा करेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे। मानते हैं कि नहीं मानते बात को? मान लेते भाई, अभी नमाज का टाइम हो रहा है हालात बेहतर हो जाने चाहिए आप। इंशाल्लाह हो जाएंगे हालात बेहतर, लेकिन आप कह रहे हैं इंडिया के साथ, वो बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो मैं बता रहा हूँ जैसे आवाम हम पर खुद मुसल्लत हुई है चीज़ें, हम इंडिया के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं यहाँ पर, इसी बात का फ़ायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं। और 85% कहाँ जाते हैं? 85% हमारा डिफेंस में जाता है, गरीब आवाम का खून निचोड़ कर। तो आपको पता है कि ये जो
10 साल मोदी ने गुजारे हैं, ये कैसे गुजारे हैं? कैसे गुजारे? ये उसने इसी तरह गुजारे हैं। जब भी उनको देखता था कोई मसला मसाइल होते थे, वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई अटैक करवा देता था ताकि उनको पता चले कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे एक बात बताएं आप, एक वोट बैंक की बढ़ जाती थी इस वजह से। यहाँ पर क्या होता है जब इलेक्शन आते? यहाँ पे भी यही कुछ होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगवा देते हैं, वोट ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं वो। वोट लेने से पहले कहते हैं गलियां बना देंगे, सड़कें बना देंगे। सर दोनों तरफ के हालात सेम है, अवाम को बढ़ चढ़ कर एजुकेट करना पड़ेगा, अवाम को एजुकेट होना पड़ेगा, तब भी जाकर हमारे उनके रिलेशन, वो भी तो अपने डिफेंस का आधे से ज़्यादा परसेंट, अपने जीडीपी का ज़्यादा परसेंट वो डिफेंस में लगा रहे हैं, दोनों मुल्क लगा रहे हैं। तो दोनों मुल्कों को होश आनी चाहिए भाई कि भाई बड़ा लड़ लिया, 75-76 साल हो गए लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप सुलह की तरफ जाते, आने वाली नस्लों को तो ठीक करें। बात तो आपकी सही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें कोई ना कोई मान ले। इनको मेरी बात शुक्र है समझ आ गई, आखिरकार ये मान गए कि भाई रिलेशन बेहतर होने से ही हमारी दोनों कौमों की तरक्की है। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले 76 साल से पहले देखें एक ही थे, एक ही लिपिक आते थे, सारे एक ही थे, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद हमारे दिलों में भी नफरतें भरी गई हैं मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियंस के थ्रू। ये ख़त्म करना पड़ेगा, नफरतें ख़त्म करके टेबल टॉकिंग करके मामलात को हल करने चाहिए, हल करेंगे तो दोनों कौम फिर ही तरक्की कर पाएंगे। जोर की राय लेते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? राइट। नाम आपका? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं? मैं ड्यूटी करता हूँ डॉक्टर के साथ। अंकल क्या लगता है गुजारा कैसे हो रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का अच्छा हो रहा है। हाँ जी। क्या इन सब हालात के बीच में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बस पैंठ में तो है, अच्छी तरह अल्लाह ताला ने बड़ी इमदाद की है। मतलब में हम इंडिया से जंग जीत गए। बिल्कुल अच्छा सही हो गया। कारगिल की जंग भी हम जीते हैं। कारगिल की तो बेईमानी करती है ना, नवाज शरीफ चले गया, अमेरिका चले गया रात के। ओके। मतलब अमेरिका हम नवाज शरीफ ने जाते तो वो भी जंग हम जीत जाते? बिल्कुल जीत जाते। अच्छा वो जीत गए थे ना 71 में भी जंग हम जीत जाते अगर बांग्लादेश हमसे ना। वो मुक्ति बामनी थी ना, गद्दारी हो गई थी। किसने की? इंडिया ने गद्दारी की। हाँ इंडिया तो दुश्मन तो गद्दारी कर ही नहीं सकता ना, दुश्मन तो दुश्मन। मुक्ति बामनी बनाई है ना पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। अच्छा तो इंडिया की वजह से हमसे छिन गया वो बांग्लादेश? इंडिया की वजह से अलग हुआ बांग्लादेश? नहीं वो तो पाकिस्तान का ना, ईस्ट पाकिस्तान, वो तो खत्म कर दिया ना भट्टो ने। जब आप पार्लियामेंट में उनको उनके मतलब के राइट्स नहीं देंगे, जब उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो अलग ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल। हमारे हकूक हम पूरे पूरे उनको हकूक सरकारी नौकरियों में और दूसरे उनको हकूक दे रहे थे। हकूक तो मिल रहे थे उधर, हकूक मिल रहे थे, सारे हकूक मिल रहे थे। बिल्कुल मिल रहे थे किसी भी वो मतलब के किस वजह से वो अलग हुए अगर सारे हकूक मिल रहे थे तो? वो इधर तो उधर तो मुजीबुर रहमान थे, इधर जुल्फकार भट्टो थे। है? जी हाँ, इलेक्शन में वो शेख मुजीबुर रहमान ने ज़्यादा वोट लिए थे, भट्टो ने कम वोट लिए थे, अक्सरियत सी मुजीबुर रहमान की उधर। सर कनाडा और इंडिया के दरमियान थोड़े से हालात ख़राब चल रहे हैं, तो कनाडा ने अभी माफ़ी मांगने लगा इंडिया से, कहने लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, हमारे साथ ट्रेड कंटिन्यू रखो। आप मुझे बताएं कोई मुल्क इस टाइम हमसे माफ़ी मांग सकता है? नहीं मांग। इंडिया से क्यों माफ़ी मांग रहा दुनिया, कनाडा जैसा बड़ा मुल्क? बहुत बड़ा मुल्क। तो क्या इंडिया की पावर ज़्यादा हमसे? नहीं इंडिया तो हम भी सुपर पावर है, इंडिया भी सुपर पावर है। कौन सा सुपर पावर है? इंडिया भी सुपर पावर है, पाकिस्तान भी सुपर पावर है। सुपर पावर के हालात ये होते हैं कि हमारे पास अपने खजाने में पैसे नहीं है, दूसरों से मांग रहे हैं। सुपर पावर कंट्री थोड़ी मांगते हैं। सही बात है, वो तो बड़े हालात खराब है पाकिस्तान। हाँ जी तो इंडिया सुपर पावर है कि नहीं है? नहीं इंडिया सुपर पावर है, लेकिन हालात अटोमिक सुपर पावर, अटोमिक अटोमिक तौर पर सुपर पावर कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं है। हाँ जी इकोनॉमिकल सुपर पावर है मईशत के लिए। आई डोंट नो मईशत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से रहा थे नहीं हमें, नो नहीं है। क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर क्या हमें हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? तलुकात हालात खराब है पाकिस्तान के, बहुत ही रात बहुत हालात खराब है। हाँ। अच्छा तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं अपने बच्चों का पाकिस्तान के अंदर, अपना खुद का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल तो सही नहीं ना, मुस्तकबिल आइंदा नेक्स्ट जो आएगा
टाइम वो सख्त हो सकता आ रहा है, सख्त दौर आ रहा है। हाँ बहुत सख्त दौर है। कैसे तो फिर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, उनके साथ दोस्ती कर लें? दोस्ती तो हर मुल्क के साथ करनी पड़ती है ना, क्या लेन देन के लिए, क्योंकि सामान लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो क्या समझते हैं अब कैनेडा और इंडिया के दरमियान सुलह सपाटा हो जाएगा? ये कौन नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? नहीं। आपको पता रिलेशन के बारे में पता, जो अभी खालिस्तान की जो तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान उसमें कैनेडा में? नहीं भाई। नहीं पता। क्या करते हैं? सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। गुजारा कैसे हो रहा? 2 महीने से फ्री हूँ। काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कोशिश भी नहीं की कोई और काम ढूंढने में? भाई सुबह का निकला हूँ काम ढूंढ, परेशान होकर घर जा रहा हूँ। क्या करें, काम नहीं। किधर रहते हैं? नश्तल में। अपना घर है? रेंट पे। तो रेंट कैसे पे करेंगे? किया ही नहीं, पिछली बार पिछले महीने मोटरसाइकिल बेच के गया था, इस बार क्या बेचना है पर समझ नहीं है कि क्या बेचें, क्या करना। पिछले महीने भाई जान मोटरसाइकिल बेचा है। तो ये हालात किधर जा रहे हैं? बेड़ा गर्क हो रहा है जी हमारा, और क्या होना है। माड़े बंदे नहीं मरना है,